जय हिंद दोस्तों, भारत के सख्त रुख का असर अब दिखने लगा है। शेख हसीना सरकार की तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश की मौजूदा सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मोहम्मद यूनुस भारत के सामने झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल उन्होंने कल के दिन पहली बार भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी से फोन कॉल पर बात किया, और जो बात पीएम मोदी और बांग्लादेश के बीच हुई है, इससे यह बात पूरी तरह से नजर आ रही है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के लीडर मोहम्मद यूनुस भारत की बातें मानने के लिए तैयार हो रहे हैं और उन्हें भारत के सामने झुकते हुए देखा जा रहा है। वैसे तो मोहम्मद यूनुस इस रास्ते पर आते हुए इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि न सिर्फ उन पर भारत का दबाव पड़ रहा है, बल्कि यूनाइटेड नेशन ने भी अपने पहले कदम को बांग्लादेश के खिलाफ उठा लिया है, जिसमें यूनाइटेड नेशन के द्वारा हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों की जांच के लिए उनकी एक टीम बांग्लादेश में जल्द ही आ रही है, और बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार पर कोई अपराध का कलंक न लग पाए, इसलिए उन्होंने भारत के पीएम मोदी से पहली बार फोन कॉल पर बात की है। पूरी खबर क्या है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद हो जाती है। दोस्तों, कल भारत के द्वारा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की तीसरी मेजबानी की गई, जिसमें भारत के अलावा भूटान, नेपाल, फिजी, मार्शल आइलैंड और श्रीलंका के साथ साथ बांग्लादेश जैसे अन्य कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, जिससे न सिर्फ इन देशों के साथ भारत का कंट्रोल बराबर बना रहेगा, बल्कि साथ ही इन देशों के साथ भारत का ट्रेड रिलेशंस और भी ज्यादा मजबूत बनाने की शुरुआत भारत के द्वारा की जा चुकी है। वैसे तो यहां पर भारत के पीएम मोदी के पास टेलीफोन कॉल करके बांग्लादेश सरकार की तरफ से यह बात कहना हमारे लिए चौंकाने वाली बात है, लेकिन शायद उनको इसका अंदाजा लग गया है कि अगर भारत ने बांग्लादेश की तरफ से अपना हाथ खींच लिया तो वह कहीं के नहीं रह जाएंगे, क्योंकि एक तरफ तो यह लगभग पूरी तरह से भारत पर डिपेंडेंट है और वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशन ने भी बांग्लादेश के खिलाफ अपने कदम को उठा लिया है और उनकी तरफ से बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है इसकी जांच करने के लिए हाई लेवल की टीम भेजी जा रही है। और इसी बीच आज के दिन वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट भारत के द्वारा होस्ट की गई, जिसमें भूटान, मॉरिशस, नेपाल, फिजी, मार्शल आइलैंड और श्रीलंका के साथ साथ बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस भी शामिल हुए थे, जिसमें भारत ने इन देशों के साथ मिलकर आगे बढ़ने पर जोर दिया। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले की खबरों के बीच दोनों नेताओं के बीच यह पहली बातचीत थी। भारत के प्रधानमंत्री ने इस बातचीत के बाद एक्स पर लिखा था, मेरे पास मोहम्मद यूनुस का फोन आया। इस दौरान हम दोनों ने बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति को लेकर बात की। इसको सुनकर आप भी हैरान रहने वाले हैं, क्योंकि भारत अभी तक जो चाह रहा था अब उस बात को मानने के लिए मोहम्मद यूनुस पहली बार तैयार हुए हैं। लेकिन हम इन बातों को बताएं उससे पहले आपके लिए कुछ बातें जानना जरूरी है। सबसे पहले तो आपको यह बात क्लियर कर दें कि जो बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार के लीडर हैं, उनमें भारत का विरोध साफ साफ नजर आ रहा है, और जब से शेख हसीना जी भारत में शरण लिए हुए हैं तब से उनकी तरफ से भारत को कई बार चेतावनियां दी जा चुकी है कि भारत उनके मामले में दखल ना दे और शेख हसीना को वापस उनके देश भेज दे। यहां तक कि देखा जाए तो 12 दिन से भी अधिक होने को है, लेकिन बांग्लादेश की तरफ से बार बार कोशिश की जा रही है कि भारत किसी न किसी तरीके से शेख हसीना को गिरफ्तार करके उनके हाथों में सौंप दे। वैसे तो शेख हसीना खुद अपने देश में वापस जाने के लिए तैयार है, लेकिन जब तक वहां के हालात सामान्य नहीं हो जाते तब यह वहां पर बिल्कुल भी नहीं जाने वाली है, क्योंकि उनके बेटे ने भी कह दिया है यदि वह बांग्लादेश में लौटती हैं तो वहां के प्रदर्शनकारी शेख हसीना का पसीना निकालने की कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाले हैं, जिसका अंदाजा आप इस खबर को देखकर लगा सकते हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में जो प्रोटेस्टर है उनके द्वारा शेख हसीना के सपोर्टर और वहां के पत्रकारों पर अटैक किया जा रहा है, और वह भी शेख हसीना के सपोर्टर पर अटैक ऐसे समय पर किया जा रहा है जब बांग्लादेश से शेख हसीना को देश छोड़कर भारत में आए लगभग 2 हफ्ते हो रहे हैं। अगली सबसे बड़ी अपडेट की बात करें तो हाल ही में भारत और यूनाइटेड नेशन की तरफ से बांग्लादेश पर थोड़े बहुत दबाव पड़ने लगे, तो अब बांग्लादेश को भारत के सामने झुकते हुए देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत का जो बांग्लादेश के साथ व्यापार है वह काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका है। यहां तक कि भारत के कुछ एक्सपोर्टर का तो यह भी कहना है कि जो सामान बांग्लादेश में एक्सपोर्ट भी हो पा रहे हैं उनका पेमेंट
बांग्लादेश की तरफ से करने में काफी ज्यादा देरी हो रही है, क्योंकि बांग्लादेश के हालात कुछ महीने पहले से ही बिगड़ना शुरू हो गए थे और एक दो महीने पहले ही बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था सड़क पर आ गई थी। इसके अलावा भारत के पॉलिसी मेकर और भारत की ऐसी इंडस्ट्रीज जो बांग्लादेश में अपने अलग अलग प्रोडक्ट को भेजती हैं, उन्होंने इसका अनुमान लगाया है कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था जिस तरीके से सड़क पर आ रही है और शांत होने का नाम नहीं ले रही है, इससे आगे चलकर भारत का बांग्लादेश के साथ ट्रेड रिलेशंस पर काफी ज्यादा असर पड़ सकता है और भारत के निर्यात में कमी आने के कारण भारत की अर्थव्यवस्था पर भी काफी ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश ही साउथ एशिया का एक ऐसा देश है जहां पर भारत सबसे ज्यादा सामानों को निर्यात करके कमाई करता है, जहां हर साल भारत 12 बिलियन डॉलर के सामानों को बांग्लादेश में एक्सपोर्ट करता है, जिसमें खाने पीने की वस्तुओं से लेकर कपड़े और अन्य मशीनरी इक्विपमेंट शामिल है। और अगली सबसे बड़ी अपडेट की बात करें तो हाल ही में भारत और यूनाइटेड नेशन की तरफ से बांग्लादेश पर थोड़े बहुत दबाव पड़ने लगे तो अब बांग्लादेश को भारत के सामने झुकते हुए देखा जा रहा है। दरअसल इसकी जानकारी पीएम मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट के माध्यम से बताया है कि हाल ही में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के लीडर मोहम्मद यूनुस की तरफ से नरेंद्र मोदी को टेलीफोन कॉल रिसीव हुआ, जिसमें भारत और बांग्लादेश ने अपने विचारों को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किया। और इसी बीच मोहम्मद यूनुस भारत के पीएम मोदी से कुछ ऐसी बातें कह गए जिससे चीन और पाकिस्तान, जो बांग्लादेश को भड़काने की कोशिश कर रहे थे, उनकी धड़कनें बढ़ना शुरू हो गई हैं। दरअसल भले ही मोहम्मद यूनुस को शुरुआत में भारत विरोधी माना जा रहा था, लेकिन इन्होंने भारत के द्वारा किए गए समर्थन का धन्यवाद देते हुए कहा कि भारत ने हमेशा ही लोकतांत्रिक स्थिरता और शांतिपूर्ण के साथ साथ बांग्लादेश की प्रगतिशील के लिए हमेशा आगे रहा है। यानी कि बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार ने भारत को यह बताने की कोशिश की कि अभी भी हम भारत के साथ हैं और हम भारत के साथ अपने व्यापारिक रिश्ते और साथ ही स्ट्रेटेजिक रिलेशन को कमजोर नहीं करना चाहते। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि भारत जो अभी तक बांग्लादेश को बात समझाने की कोशिश कर रहा था, बांग्लादेश अब उस बात को मानने के लिए तैयार है। इसकी जानकारी पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट के माध्यम से खुद दिया है, जिसमें बताया गया है कि मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कई बड़े कदम उठाने का वादा किया है। भारतीय प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख को 20 अगस्त को नई दिल्ली में होने वाले तीसरे ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित भी किया। यूनुस के प्रेस विंग के मुताबिक वो इस सम्मेलन में वर्चुअली शामिल होने के लिए सहमत हो गए हैं। भारत 20 अगस्त को तीसरे वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत के विदेश मंत्रालय के मुताबिक इसमें पिछले सम्मेलनों में दुनिया की विभिन्न जटिल चुनौतियों पर हुई चर्चाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। बाकी आप लोगों का इस पर क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें।